नमस्कार दोस्तों, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता आया हूँ। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समुंदर नहीं सूखा करते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केबी राशिफल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 18 सितंबर दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों, जिस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा शनिदेव महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नामक नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:45 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:59 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:27 से दोपहर 12:16 तक। दोस्तों, कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है शाम 5:44 से शाम 6:33 तक। दोस्तों, आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी अथवा पीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, संतान के सामने माता पिता को कभी नहीं करनी चाहिए ये बातें, पड़ता है बुरा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो माता पिता संतान की शिक्षा और संस्कार के लिए सदैव जागरूक रहते हैं, वे सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान नाम रोशन करें, जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चाणक्य जी के अनुसार माता पिता का यह सपना तभी साकार हो सकता है जब वे अपनी संतानों को लेकर गंभीर और जागरूक रहें। चाणक नीति कहती है कि माता पिता को बच्चों के सामने कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं चीजों को जल्दी समझते और अपनाते हैं जो उनके माता पिता करते हैं, इसलिए बच्चों के सामने सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भाषा शैली। चाणक नीति कहती है कि व्यक्ति की बोली और भाषा बहुत कुछ बयां करती है, इसलिए व्यक्ति को अपनी बोली और भाषा को लेकर सदैव गंभीर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार बच्चों की बोली और भाषा प्रभावशाली हो, इसके लिए सबसे पहले माता पिता को अपनी भाषा और बोली पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, सम्मान और आदर। चाणक नीति के अनुसार माता पिता को आपस में बातचीत करते हुए आदर और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के रिश्तों में यदि आदर सम्मान की कमी है तो इसका विपरीत प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए इस बात पर बेहद ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, असत्य। माता पिता को बच्चों के सामने झूठ और दिखावे का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बच्चों को झूठ और दिखावे से दूरी रखने का प्रयास करना चाहिए, इससे आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए माता पिता को इस गलत आदत से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसे रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे कार्यस्थल में आपकी स्थिति सुधरेगी और आपके काम को भी मान्यता मिलेगी। अपने पेशे का सम्मान करें क्योंकि यही आपकी आजीविका का साधन है। याद रखें, अच्छी योजना अच्छे निर्णय को आकार देती है, यही कारण है कि अब समय को नियोजित करने की आवश्यकता है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगी। यह चरण बेहतर प्रस्तावों और ग्राहकों को खोजने के लिए बेहतरीन है। नए अनुबंध आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकते हैं और साथ ही कुशलता को भी बढ़ाएंगे, लेकिन अपने दृढ़ जुनून को ऐसे ही बने रहने दें क्योंकि आपका यही जुनून आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा।
आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ की सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। साथ ही साथ आपको बताएं, ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और कैरियर दोनों ही प्रभावित होंगे, इसलिए इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया ना दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। कुछ मुश्किल कार्य जो कि आपने समय पर छोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने का भी ये उचित समय है। दोस्तों, आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए कार्य अपनी उम्मीद से ज्यादा पूरा कर पाएंगे और सारा काम का बोझ आज खत्म हो सकता है। बस आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आसपास के सहकर्मियों को सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे एवं दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के नए मौके बनेंगे। सामाजिक समारोह में परिवार के साथ शामिल होना सबके लिए अच्छा अनुभव रहेगा। आपका प्यार ना सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दोस्तों, दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोचेंगे, लेकिन बाकी दिनों की तरह भी आज यह प्लान धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, प्यार नजदीकी मस्ती मजा जीवन साथी के साथ यह एक रोमांचक दिन रहेगा। संभव है कि आज आपकी जीभ को भरपूर मजे मिलेंगे। किसी उम्दा रेस्टोरेंट में जाना मुमकिन है और लजीज खाने का लुत्फ आप आज उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें आज के प्रेम जीवन की, तो यह समय सरमोया छोड़कर दुनिया को अपने जानू से मिलाने का है और अपने इस गुप्त रिश्ते को एक नया नाम देने का है। आपके भाई बहन और परिवार आपकी नई शुरुआत से पसंद होंगे। इस समय आपके सितारे ऊंचे हैं, ऐसे में आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दोस्तों, तैयार रहें, आज का दिन बेहद धमाकेदार होने वाला है। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। अपने मनमौजी रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। दोस्तों, आज आपके मूड में भी बदलाव आएगा, इसलिए अपने प्रेम में जीवन का ध्यान रखें। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का बेहद सलीके से ध्यान रखें। इस बीच दोस्तों, शेयर व तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधानी से काम करें। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा या विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। नौकरी पेशे व्यक्ति को अपनी कंपनी को उचित फायदा मिलने से अच्छा बोनस मिलने की संभावना है। ध्यान रहे, आज का अधिकतर समय आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में भी आप व्यतीत कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद इसने पाकर आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। आप हर निर्णय को बहुत ही सोच समझ कर लेने से अपने कार्यों में आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों, अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से शनिदेव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। रोज की कुंभ राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।